हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लैब्रा एडल्ट फीमेल। ये फीमेल है वाराणसी से, ये लगभग 13 मंथ्स की है, अभी एकदम फ्रेश है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, बहुत ही एक्टिव है, गोल्डन कलर की है। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपकी लैब्राडोर चाहे गोल्डन हो, चाहे ऑफ वाइट हो, चाहे किसी भी वाइटिश शेड या येलोइश शेड या गोल्डिश शेड में हो, वो हमेशा हमेशा येलो लैब्रा ही उसको बोला जाएगा। क्योंकि आप जब लैब्रा रजिस्टर करवाने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ येलो लैब्रा नाम से ही रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे ऑफ वाइट हो, एकदम वाइट हो, या चाहे एकदम डार्क गोल्डन कलर हो उसका। ठीक है, तो ये जो येलो लैब्रा है गाइज, यह है वाराणसी में 13 मंथ्स की। तो चलिए आप लोग वीडियो देख लीजिए। लिया लाओ, बल्द बल्द, इधर 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 दो दो, इसने भी दो लाओ, ला दो बफई बफई बफई, दो 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 बल्द, दे दो दे दो दे दो, इधर जाओ। आजा 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 आजा, इधर 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 है, में जाओ, रख देना। और कहाँ रखी हो? चलो बाल कहाँ रखी हो? बाल कहाँ है? चलो दिखाओ बाल, चलो आओ इधर, बाल किधर है? बाल गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही और प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो गाइज, ये जो लैब्राडोर जो फीमेल है, इसका कॉस्ट सर ने बताया है 10,000। बाकी मैं तो वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, आप कोशिश कर लीजिए, निगोशिएशन हो सकता होगा तो हो जाएगा, नहीं हो सकता होगा तो नहीं हो पाएगा। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ, एक और चीज़ है, ये मैं काफ़ी टाइम से बताना चाह रहा था। बहुत लोग बोलते हैं कोई अपनी एडल्ट कैसे बेच सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, उनकी डॉग लवर वाली आत्मा जाग जाती है। भैया, मैं भी अपनी 1.5 साल की फ़ीमेल कहीं से लेके ही आया था, और जिनके यहाँ मैं लेके आया था उनको उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। वो उसको ले आए थे, लेकिन वो सुबह बेचारे उसको बांध के चले जाते थे और रात को आके उसको खोलते थे, तो उसके चारों पैर टेढ़े हो गए थे। उनके घर में बच्चे भी थे, सब थे, तो उनकी वाइफ इतना पसंद नहीं करती थी, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी उस चीज़ के कि उनकी जो फीमेल है वो बिल्कुल एकदम बेकार होती जा रही है। वो घर में ही पॉटी कर देती थी, घर में ही टॉयलेट कर देती थी। ठीक है, लोग बोलते हैं उससे आज तक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है ओनर से, ऐसे कैसे दे सकता है वो ये। भाई सुनो, अगर किसी चीज़ को प्यार करते हो ना सच्चे मन से और उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो, तो दुनिया में कहीं भी जाके किसी से भी पूछा हो, उसको किसी ऐसे को दे दो जो उसकी तुमसे ज़्यादा केयर कर सके। इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं होती। अब मेरे यहाँ वो फीमेल है, वो दिन भर घूमती है, दौड़ती है, भागती है, मेरे बेड पे सोती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जब मन चाहती है तब जो करना चाहती है वो करती है, खेलती है, कूदती है। यार मैं उस पर पूरा टाइम देता हूँ। वहाँ वो बेचारी ऐसे बंद के ऐसे बैठी रहती थी, कुछ कर नहीं सकती, उनकी वाइफ खोलने नहीं देती थी। वो बेचारे रात को आते थे, खोलते थे, उसको टहलाते थे, फिर बांधनी पड़ती थी उनको, क्योंकि घर में क्लेश होता अगर नहीं करते तो। तो इस चीज़ को समझिए आप, एडल्ट फीमेल कोई भी पैसे कमाने के लिए नहीं बेचता।
एडल्ट फीमेल आदमी हमेशा हमेशा तभी बेचता है क्योंकि उसके घर में चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही होती। और जो आप लोग सोचते हो ना कि मैं, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बस वीडियो डालने के लिए एडल्ट डाल देता हूँ, भाई आप में से पता नहीं किसी को शायद पता है कि नहीं, कम से कम मुझे रोज़ के 100 मैसेजेस आते हैं जिनमें एडल्ट मेल्स भी होते हैं। और मैं सबसे यही बोलता हूँ कि भाई आई एम सो सॉरी, मैं अब एडल्ट मेल्स की वीडियो नहीं डालता, भले ही चाहे वो कितने भी काइंड हो, कितने भी वेल बिहेव्ड हो, कुछ भी हो, क्योंकि मेल्स हैं यार, मतलब ठीक है मेल्स हैं। अब किसी और के घर जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा अच्छा कोई उंगली कर दे, कुछ कर दे, तो शायद गलती से भी अगर दांत लग गया तो आदमी फिर मेरे से बोलेगा। फीमेल तो एडजस्ट कर जाती है यार, कर तो वैसे मेल्स भी जाते हैं, लेकिन मेल्स की मैं तब भी रिस्क नहीं लेता, 0.1% भी मैं रिस्क नहीं लेता। और फीमेल में भी मैं 50 बार पूछता हूँ, भाई वीडियो दिखाओ, खेलते हुए दिखाओ, इसके साथ दिखाओ, एग्रेसिव तो नहीं है। जब पूरी पुष्टि हो जाती है तभी मैं वो वीडियो डालता हूँ। तो ऐसा मत समझिए किसी को कि अगर वो अपनी एडल्ट फीमेल बेच रहा है तो वो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे ख़राब आदमी है, ऐसा नहीं है। बस आपके ऊपर वो चीज़ बीती नहीं है तो आप उसकी सिचुएशन समझ नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जज बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना जजमेंटल मत बनिए, क्योंकि मैंने खुद एक एडल्ट फीमेल अडॉप्ट की है। और मेरे एक और सब्सक्राइबर सर हैं, यहीं लखनऊ के ही हैं, उनके पास भी ऐसी एक जर्मन शेफर्ड फीमेल है। वो बहुत ही, जहाँ से लाए तो बहुत ज़िद्दी थी, खाना नहीं खाती थी। मैं एक दिन शायद उनके उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। खाना नहीं खाती थी, कुछ नहीं करती थी, अब वो उनके पास है, बहुत ही प्यार से रहती है, खाना खाती है, सब करती है, उसकी दिन भर केयर करते हैं। और जिन्होंने वो दी थी वो लोग उसको वापस मांगने भी आए थे, लेकिन वो उनके पास गई नहीं। अब बताइए, एक साल की फीमेल जहाँ पर एक साल तक रही थी, उन लोगों के पास वो नहीं गई दोबारा जिनके पास 2-3 महीने रह गई थी उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड उनसे ज़्यादा जो पहले वाले थे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसका जो अभी जो सर जिनके पास वो है उनसे है। अब बताइए क्या कहोगे आप इस पे? आपकी थ्योरी तो फेल हो गई कि कुत्ता बहुत बॉन्ड बना लेता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ये सब जो आप मूवीज़ में देखते हो, इससे बाहर आओ, दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त। अभी रेस्क्यू में कोई डॉग आएगा एक साल का, तब तो आप कहोगे अरे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अभी फ्री अडॉप्शन वीडियो डालूंगा तो उस पर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा, तुरंत अडॉप्ट हो जाएगा, अरे वाह भाई वाह, गणेश जी ने क्या काम कर दिया। लेकिन वही अगर बेचारा कोई बेच रहा है क्योंकि उसके पास दिक्कत है, तो आप लोग उसको इतना डीमोरलाइज करोगे कि उसको इतनी गालियाँ लिख दोगे कि उससे ख़राब कोई इंसान नहीं है। अरे यार, वो अपनी फीमेल को प्यार करता है इसीलिए बेच रहा है, और वो फ्री में इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि 90% लोग, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं, पर 90% लोग जब फ्री में चीज़ ले जाते हैं तो उसकी कदर नहीं करते, ठीक है। और आप सोचिए, वो उससे तो अच्छा है जो लोग रोड पे अपने फीमेल्स को छोड़ देते हैं। कई लोग अपने डॉग्स को रोड पे छोड़ देते हैं, कहीं जाते हैं गाड़ी से उतार आते हैं, पाल नहीं पाते हैं तो घर में क्लेश होती है। कम से कम उसके अंदर इतनी पेशेंस तो है कि वो चैनल पर भेज रहा है, इधर उधर ट्राई कर रहा है कि कोई खरीद के ले जाए तो उसकी केयर करेगा, ठीक है। कम से कम उसके अंदर इतनी पेशेंस तो है, कम से कम वो ऐसा तो नहीं कर रहा कि छोड़े दे रहा है या कुछ कर दे रहा है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, पर्पस इसको छोटे से छोटा रखना था, बट चलिए माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये एपिसोड। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल गणेश टॉक वर्ल्ड।